अगर आप मुझे बता दें कि हम जिंदगी चैनल बंद करके या पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया से भगा के अगर अटैक नहीं होगा तो बंद कर दीजिए, कोई देगा गारंटी? लेकिन अगर भारत रेवेन्यू जनरेट करा रहा है किसी कलाकारों को तो कम से कम उनको भी तो सर, वो भी हमें रेवेन्यू जनरेट कराते हैं। हमारा सॉल्ट और शुगर वहाँ इम्पोर्ट होता है, हमारे किसानों को फ़ायदा होता है। बात ये नहीं है, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आर्मी का कॉन्फ्लिक्ट है और टेररिज्म है तो गवर्नमेंट को पॉलिटिकल लेवल पर अपना काम करने दीजिए। उनको पता है उन्हें क्या करना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने सशक्त हैं, सेना भी इतनी सशक्त है कि वो ये कदम उठा सकते हैं। इसमें कलाकारों को जोड़ना मुझे नहीं लगता उससे कुछ फ़ायदा होगा। कलाकार का रिश्ता अलग होता है, कलाकार ये कलाकार होते हैं। एक आदमी किसी देश का है, कहाँ का है, लेकिन उसका कला का दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलते रहते हैं। लड़ाई और कला, इसमें थोड़ा फर्क करना चाहिए। जो कला है वो कला ही रहने चाहिए। हाँ, मैंने जो कहा कि अगर नहीं बाज जाता तो मैं भी लड़ने के लिए तैयार रहूँगा कि 79 साल के इसमें, लेकिन कला जो है ना, कला के बारे में हम नफरत नहीं करना चाहिए। ऐ दिले मुश्किल रईस, इसका भी MNS ने ऋचा बोला है कि हम रिलीज़ नहीं होने देंगे, तो इस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि इसमें पाकिस्तानी कलाकार हैं अब, तो इस चीज़ से फिल्में कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही हैं, तो आपका इस पर क्या टेक होगा? अफेक्ट मुझे नहीं लगता कि होंगी अफेक्ट। जब मैं चाहूँगी कि तब तक कोई एक पीसफुल सोल्यूशन निकल जाए। जैसा कि मैंने कहा कि कलाकारों को इससे दूर रखना चाहिए, क्योंकि कलाकार कभी मारपीट और कत्लेआम की बात नहीं करते। गाने गाते हैं, पीस के गाना गाते हैं। और आप कई आप गाने सुनिए, पाकिस्तानी कई कोक स्टूडियो के एक्टर्स आर्टिस्ट हैं जो गाने गाते हैं, उनमें हमारे देश की कविताएं, खड़ी बोली के भजन गाते हैं वो लोग। तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी कलाकार ये सोच के गाते हैं कि हम अबीदा परवीन या इस तरह के कलाकार कभी ये सोच के नहीं गाते कि कत्लेआम हो। मुझे लगता है कि ज़रूर जिन्होंने ऐसा किया उनके साथ कड़े तौर पे पेश आना चाहिए, पर आप और मैं लड़ाई नहीं करते। उसी तरह कलाकार भी आम इंसान होते हैं, उनको लड़ाई पसंद नहीं होती। Look, I mean, it's a very, very complicated situation. I feel like, you know, actors are very small fish in a very, very large situation. So if you're targeting attention towards actors, then you have to come up with a much bigger solution at a much larger level. I've always embraced values of friendship and brotherhood towards any nationality. And much like nationalities embrace Indians abroad as well. So I'm hoping that an amicable, friendly, brotherly solution can be found to all problems.